मैंने कुछ अर्सा पहले एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल का टाइटल था कि लफ्जों से ज्यादा लहजे लहूलुहान करते हैं। यानी आपकी हमारी जिंदगी में लफ्ज तो असर डालते हैं सो डालते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि हमारे लहजे से बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने घरों में देख लें कि सुबह के वक्त जब आप सवेरे निकलते हैं अपने घर से, आप अपने घर में अगर सवेरे को अच्छा लहजा छोड़कर आपने एक लफ्ज भी अच्छा इस्तेमाल किया और लहजा भी बहुत अच्छा था, उसका सारा दिन इम्पैक्ट रहता है, सारे दिन पे उसका असर रहता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोई बुरे लहजे के साथ कोई बात करके गए तो उसका भी उसी तरह से असर रहता है। अब समझने वाली बात इसमें यह है कि आपने जब सवेरे बात की, लफ्ज भी अच्छे मुंतखब कर लिए, जहन भी सही हालत में था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग के किसी कोने में आप चिड़े हुए थे। चिड़े हुए होने की वजह से, जब आप अंदर चिड़े हुए होते हैं उसकी वजह से आपके लफ्जों में तलखी आ जाती है, आपका लहजा तलख हो जाता है, फिर आम से आम बात आप चिड़ कर करते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि जिसने अगर सुननी भी है आपकी बात को तो उसको सुनता भी है तो वो उसको कबूल करने की नजर से नहीं सुनता, बल्कि उसे लगता है कि मुझे बेइज्जत किया गया है, मुझे ह्यूमिलिएट किया गया है, मेरी इंसल्ट की गई। यहां तक कि आप बच्चे को भी अगर कहते हैं कि खाला के घर चले जाना या फुफ्फो के घर चले जाना या बाजार से सेल्फ ले आना, सौदा सेल्फ लेकर आ जा, जब आप इस तरह की कोई बात उसे कहते हैं, वो अगर आप उसे आराम से प्यार से कह देते हैं तो वो आराम से लेकर वो चीजें आ जाएगा। और अगर आप उसे कहेंगे कि ऊंचा बोल के आप उसे कहेंगे कि फला जगह से फला चीज लेकर आ जाना, तू वैसे सुनता तो है नहीं मेरी, तो यकीनन वो ह्यूमिलिएटेड फील करेगा, वो इंसल्ट उसको फील होगी, और फिर वो जाएगा तो सही, आपको मान के नहीं जाएगा, मजबूरन चला जाएगा। इसी तरह अगर हस्बैंड वाइफ सवेरे हस्बैंड घर से निकलते वक्त कोई भी बात उन्हें कहने लगते हैं अपनी बेगम साहिबा से, अगर उसमें अपने लहजे को वो दुरुस्त रखते हैं तो यकीन मानिए सारा दिन उस लहजे का असर खातून के ऊपर रहता है। इसी तरह अगर खातून घर से बाहर जा रही है, जॉब करती हैं, वो सवेरे के वक्त अगर अपने घर के लोगों को जो भी घर में मौजूद है एक अच्छे रवैये के साथ निकल कर गई हैं, लबो लहजा उनका अच्छा था, सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। आप कुछ ना करें, सिर्फ एक चीज देखने की कोशिश करें कि जब कभी आप एक दूसरे से उलझे थे तो आप यकीन मानिए आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस उलझने में लफ्ज कम होंगे, मालूमात कम होंगी, लहजा ज्यादा होगा। इसलिए मैंने अर्ज किया कि लफ्जों से ज्यादा लहजे लहूलुहान करते हैं। आप अपनी जिंदगी में देखिए, छोटे से छोटे बच्चे को भी आप अगर सख्त लबो लहजे के साथ उससे बात करेंगे कि उसे डिसिप्लिन करने के लिए जा रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके सख्त लबो लहजे के साथ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो खुश फील करना शुरू कर दे, बल्कि वो क्या करेगा, वो भी अपने अंदर सड़ जाएगा, कुड़ जाएगा, गुस्सा करेगा, लेकिन चूंकि वो कमजोर है तो कमजोरी की बुनियाद पर और मुआशरे की बुनियाद पर वो आपके सामने नहीं खड़ा होगा, लेकिन अंदर से वो आपके सामने खड़ा हो चुका होगा। वो छोटा बच्चा हो, वो कोई रिश्ता हो, वो बड़ा रिश्ता हो, यहां तक कि वालिदैन के साथ भी बात करते हुए क्यों कहा जाता है कि अपनी आवाजों को उनके सामने ऊंचा मत कीजिए। आवाज ऊंचा करने का मतलब लहजा है कि आपके लहजे में कहीं ना कहीं तलखी आ जाती है। और बहुत मैं आपको यहां तक अर्ज करूं, मेरे पास एक साहब वाले साहब तशरीफ लाए और मुझे फरमाने लगे कि शाह साहब पिछले कोई 20-22 बरस से, यानी उनका बच्चा 22 बरस का था, कह लगे मैंने इसका बहुत ख्याल रखा। मैंने कहा सर वो तो जाहिर है सारे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। कहते मैं हैरान हूं कि पिछले कुछ 6 साल से मैं कुछ 2 गोलियां जो खा रहा हूं, और मैंने आज अपने बच्चे से कहा जो 22 बरस का है कि बेटा मुझे गोली तो ला दो, तो उसने आकर मुझसे पूछा आप कौन से वाली गोली खा रहे और कब से खा रहे। कहते सर ये लफ्ज ऐसे था कि जैसे गोली मेरे दिमाग में मार दी गई कि 6 बरस से मैं दवाई खा रहा और 22 बरस के मेरे बच्चे को इतना भी इल्म नहीं है कि मैं कौन सी दवाई खा रहा हूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप परेशान ना हो इस बात को लेकर, बच्चे हैं जाहिर इधर उधर। कहने लगे नहीं नहीं सर बड़ी तकलीफ हुई है। और कहते जिस लबो लहजे के साथ उसने बात की कि केड़ी गोली तुसी खा रहे, मैं दसे नहीं तुसी। कहते जब उन्होंने ये बात की तो कहते मैं तो हैरान, यूं नहीं उसने कहा, उसके लबो लहजे में ये नहीं था कि आप कौन सी गोली खा रहे हैं। कहते वो इस तरह भी कहते तो मुझे तकलीफ ना होती, लेकिन जिस लबो लहजे से उसने बात की उसका मेरे ऊपर बहुत ज्यादा असर। तो बात करने का मकसद है कि आप कोई भी बात, यानी बुरी से बुरी बात, अगर आपका लबो लहजा उसमें दुरुस्त है तो उसका उतना बुरा असर नहीं होता है। और जिस घड़ी आप इस बात को समझेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि असर असल में किसका होता है। लफ्जों का तो होता है, सो होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि आपके लहजे का होता है। और इसको आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए, एक साहब ने घर से निकलते वक्त सिर्फ इतना ही कह दिया कि मैं देर ना लावांगा या मैं देर से आऊंगा। अब अगर उसने इंतजार करना भी था ना तो उसने इंतजार नहीं करना,
और बल्कि उसका तो योगा के जितनी देर हो सकती है उसके बाद आ जाएगा, इस लबो लहजे के साथ तो ना ही आए तो बेहतर। तो बुनियादी तौर पर हमें एक चीज को समझना है कि लबो लहजा जो है, यानी जिस तरीके से और जिस सलीके से आप बात करते हैं, उसका बहुत ज्यादा असर होता है आपकी हमारी जिंदगी पर। लिहाजा आप अपने लहजों को दुरुस्त करके अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर सकते हैं, और अपने बच्चों के साथ अगर आप अच्छे लहजे के साथ बात करते हैं तो आप ये तवक्को रख सकते हैं कि कल वो अभी आपके साथ एक अच्छे लहजे के साथ बात करेंगे। आप कुड़ के, सड़ के, चिड़ के अगर अपने बच्चे को नसीहत करेंगे तो उसे अंदाजा होगा कि नसीहत जब भी की जाती है कुड़ के की जाती है, नसीहत जब भी की जाती है चिड़ के की जाती है, अच्छी बात जब भी बताई जाती है चीख और चिल्ला के बताई जाती है, उसका नतीजा वो निकलेगा। और जहां तक मैंने वालिद साहब की आपसे बात की, तो मैंने जो उनसे बात की, मैंने कहा कि आपकी दवाई और उसकी अहमियत आपकी नजर में कितनी है, जब तक आपके बच्चे की नजर में वो अहमियत आपने उजागर नहीं करनी तो आप ये तवक्को ना करें। इसलिए अपने बच्चों को शुरू से ये चीजें समझाना करना शुरू कर दें, नतीजे फिर उसके और निकलेंगे। लेकिन प्लीज कोशिश करें अपने आप पर नजर रखें, और खुद पर नजर रखने का मतलब यह है कि अपने लहजे पर नजर रखें। आपका लहजा ठीक होगा तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, और अगर आपका लहजा ठीक नहीं होगा तो आपकी जिंदगी तो खराब होगी सो होगी, और यकीनन आपके साथ जुड़े लोगों को भी खराब होगी। और इसमें एक और बात देखिएगा, कड़वाहट जब लहजे में आती है तो ये कड़वाहट आपके अंदर होती है तो आपके लहजे में आती है, तो इसका मतलब आप पहले खुद कड़वे होते हैं फिर आप अपने माहौल को कड़वा करते हैं। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। हाँ, जरा तर्ज इख्तलाफ राय का ख्याल रखिएगा, इख्तलाफ राय का हक तो आप रखते हैं।